उसकी शुरुआती साथ के साथ नवप्रीत सिंह यहां पर आपको नजर आएंगे इन द मिडल। ये बहुत अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बता दें इनके बारे में। देवगुर्ज लोकेश गोसलिया, नॉट टू फॉरगेट द इनसाइड्स गोपाल सिंह एंड जयवीर। द कवर इज गोना बी मिस्टर भगत सिंह वंस अगेन विद अस। शुरुआत होती भी आपको नजर आई थी, और पहली रेड की अगर हम बात करें तो रेडर्स का आज बोलबाला हो सकता है गोपाल सिंह और तौसिफ। और पेरियार पैंथर्स की बिल्कुल आपने सही कहा कि वो रनर्स अप के अंदाज की बात करें, पिछली बार डिफेंडिंग चैंपियन। आप शुरुआती रहे, कल के मैचेस की अगर मैं बात करूं तो गंगा गोल्ड स्ट्राइकर्स 30 मिनट में से लगभग 22 23 मिनट आगे था। यहां पर रेड के लिए आए हैं, क्या अपनी टीम के लिए जीत का मंत्र दे पाएंगे? द कॉम्बो ऑफ डबल एम पर चलिए, डिफेंस खिलाड़ी है और इनके पास स्किल्स देखिएगा, जैसे जैसे सीजन जाएगा स्किल्स बढ़ाएंगे। बट अंकल हियर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, हैव यू मेड योर टॉप पिक्स ऑन ड्रीम 11 फॉर दिस युवा कबड्डी सीरीज एडिशन? बिकॉज़ राइट नाउ बाजपाई कमिंग वंस अगेन looking yes, three, the super tackle is on for Periyar Panthers. Can they get it? No, they cannot. As quality umpires, you will never figure that out. So shout out to the team there and shout out to this defense here. Yes, and we were talking about Jeeva Kumar earlier on, and like you said, his face was so determined, you know, he was not the team ko bahut achhi tarah se aap defense mein लीड किया है राजेंद्र भाकर जीवा कुमार। और उनके विरुद्ध देखिए दो आप तरीकों से यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, एक आप थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएं और दूसरा फियरलेस खेलें। आशन कुमार साहब से कल जब फाइट फॉर दैट टॉप थ्री पोजीशन हर्षित जी, टॉप थ्री पोजीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट पेरियार पैंथर्स के खिलाड़ी हैं, लेफ्ट कॉर्नर पर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोकेश गोसलिया का फॉर्म में आना भी विशेष है, राजेंद्र भाकर का पहला पॉइंट आना भी विशेष है। एडवांस टैकल, एक बार तो लगा था कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं, बट स्लाइड पॉज लिया, अपनी आंखों को थोड़ा सा लेफ्टिश किया और उसके बाद टच कर एंटी ब्लॉक कर निकल गए दो खिलाड़ियों को शिकार बनाकर। Oh yes, take a look at that. That is very well executed. Take a look at him. Went in initially. God, and as we all know, coordination is the most important thing in executing a perfect tackle. As Prem comes in, Prem. Oh my God! You should never celebrate. Match के लिए Periyar Panthers वापसी कर रहा है। एक समय पर 2-10 का स्कोर था, और अब लीजिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी वापसी की है इस बार जयवीर मत। Indeed, as we head into the last 3 minutes. And right now, Ravli Arrow still continue. गुसलिया शुरुआत यहां पर कर दी है और अब पेरियार पैंथर्स के लिए बहुत अच्छा मौका होगा रावली एरोज को ऑल आउट करने का। राजेंद्र भाकर को शिकार बनाया, स्विफ्ट टच किया राजेंद्र भाकर पर, रावली एरोज टू अवॉइड एन ऑल आउट बिकॉज़ द ऑल आउट विल गिव पेरियार पैंथर्स द लीड। विल दे गेट द लीड? नो दे वोंट, बिकॉज़ ऑन द स्क्रीन सेवरल टाइम्स ऑन वेरियस फेसेस समझ जाना चाहिए था, और हमने प्री शो में बात भी की थी, दोनों ही टीमों का जो डिफेंस है वो बहुत ही हाईलाइन खेल सकता है और बहुत अच्छा डिफेंस है। नवप्रीत सिंह, नवप्रीत पर आपको 15 पर नजर आ रहे हैं और वहीं पर थी, और अगर आप लेफ्ट कवर या फिर किसी भी खिलाड़ी को बैक दिखा देते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आप बाहर जाने वाले हैं। यहाँ पर चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं, बाजपाल ने पूरी कोशिश की है, स्टिल द स्ट्रगल इज गोइंग ऑन। बदल जाता है, 15 मिनट भी हमें बहुत कम लगते हैं, हमें 20 मिनट भी पर बहुत कम लगते हैं, पर यहाँ पर राजेंद्र इक्वली विदर बिकॉज दैट्स व्हाट द स्टोरी ऑफ द मैच सो फार, यू नो पेरियार पैंथर्स विल गो अप ऑन एंटी ब्लॉक करते हैं यहाँ पर रीडर। एंटी ब्लॉकिंग स्किल्स जो है किसी भी रीडर के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ देखिए फिर से टर्न हुआ, 11 मिनट्स इज व्हाट्स रिमेनिंग एंड आई एम श्योर वी गो इन मिनट्स ऑफ थ्रिल राइट नाउ एज बाजपाल comes in and take a look at that. तरीके कप्तान प्रेम आए हैं इस बार रेड लगाने रायन। टचेस करते थे जिसकी कोई यहां पर अभी तक तुलना नहीं कर सकते हैं, अतुलनीय रेड डालते थे और वैसे ही प्रेम खाई देते हैं। युवा कबड्डी सीरीज में रावली हीरोज के लिए कई बार इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, कई बार खेले हैं, रेडिंग की भूमिका को निभाना है जय भगवान के साथ, क्योंकि स्कोर देखिए बराबरी पर आपने ले आए हैं, 19-19 पर यहाँ पर स्कोर पहुंच चुका है। और आप देखते हैं बाबले में अभी तक कोई बोनस आया है, मुझे तो लगा नहीं कि किसी भी खिलाड़ी ने यहाँ पर बोनस अभी तक चुराया है ना ऑल आउट के समय पर। यहाँ देखते हैं भगत, टोल्ड देम व्हाई इज दिस गेम गोइंग एट अ टाई, व्हाई इज द गेम गोइंग एट अ टाई, टेक अ लुक एट द स्कोर एंड दैट्स व्हेन अरावली एरोज इज टेकिंग इनिशिएटिव। वी हैव जस्ट 5.5 मिनट्स रिमेनिंग right now, so Aravali Arrows can slow the pace of the game and Periyar Panthers will immediately fall under pressure because they will have to get back, but Jayveer here is not falling under pressure and he's gotten the point for his team at the right moment.
A big mistake here at the wrong time. Prem Padu double ankles पर जाना चाहते थे. लीजिए super raid. पहली पड़ी super raid आती हुई आज के दिन की Periyar Panthers के पक्ष में. दो point मिले, साथ में bonus यहाँ पर मिले. यहाँ देखिएगा right corner सबसे पहले वहाँ पर उस touch के लिए गए थे दोनों ankles के लिए. अंकित जार प्रेम बाहर जाकर free raid लगाओ. मजा आ गया है बाजपाल आपके प्रदर्शन में. Yes, definitely. ता है. Oh man, if the super tackle comes in right now, it's going to change the game entirely and it will not... बहुत अंदर चले गए थे डिफेंस के लिए, वहां पर उन्होंने नहीं कमबैक किया, सरेंडर रेट दिए. तो बोनस बड़े मिनट वहां पर अरावली एरोस के लिए शेष बचे हैं क्योंकि उन्हें लीड को कंसोलिडेट करना है, लीड को बचाना है और ऐसे लीड नहीं बच पाएगी. सपोर्ट बाहर था, एटलीस्ट उन्हें एक बोनस का एक्स्ट्रा प्रयास करना चाहिए था. टच के लिए वहां पर जाना चाहिए था, राइट कवर को शिकार के लिए जा सकते थे. देव गुर्जर आज उतने अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं दिए. लोकेश गोसलिया, फाइनली द मैन इज बैक. 30-25 का स्कोर है. मन जी सात का जो मार्जिन है उसे भी बरकरार रखना चाहेंगे, पर Periyar Panthers अभी तो सिर्फ आपके लिए पहला मुकाबला है, जीत की कोशिश कीजिए. लोकेश गोसलिया के लिए एक और पॉइंट है. तो बॉक्स लाइन को वहां पर कवर कर लीजिए डिफेंडर से, बट ये मैच जो है अब अरावली के जेब में जा चुका है. बट लोकेश गोसलिया अंतिम तीन टैकल पॉइंट्स कितने डेडली रहे, डेडली कॉम्बो यहां पर नजर आया है लोकेश गोसलिया का आखिरकार. बट चलिए पहला मैच है, एक अच्छी खुशी की बात है कि द बेस्ट डिफेंडर ऑफ युवा कबड्डी सीरीज फाइनली फॉर्म में आता हुआ. Yeah, those are the few positives for them to see that you Lokesh Gosalia's second half ke tackle points nahi aaye jiske chalte haar ka samna karna pada hai Periyar Panthers ko, but score dekhiye the Periyar Panthers from that all out, however destiny came for them as this guy here how got Harshit ji. Yeah, Prem Bahadur batao aur captain Aravali Arrows bahut hi acha khele hain.